तो अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जहां पे बातें की थी हमने कि फिल्म जो रामायण बनने वाली है उसके रिगार्डिंग किसी भी एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा आपको बताने वाला हूं जो जानने के बाद मेरे लिए भी शॉकिंग था और शायद आप लोगों के लिए भी शॉकिंग होगा ये न्यूज कि क्या वाकई में इस फिल्म को लेके कोई डेवलपमेंट हो रही है, ये फिल्म कब तक आएगी और क्या 17 अप्रैल को यानी रामनवमी के अवसर पे इस फिल्म के रिगार्डिंग इस फिल्म को लेके कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो प्राइम फोकस कंपनी के बारे में आप जानते ही होंगे और उसके जो फाउंडर हैं नमित मल्होत्रा, उनकी और रॉकिंग स्टार यश की एक फोटो इंटरनेट पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। यश जो है रॉकिंग स्टार यश, उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन। तो मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन और प्राइम फोकस ये दोनों मिलके फिल्म रामायण को प्रोड्यूस करने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन और प्राइम फोकस ये दोनों मिलके इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। और ये न्यूज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड के जाने माने नंबर वन क्रिटिक्स तरण आदर्श जो हैं उन्होंने इसको पोस्ट किया और वहाँ पे एक नीचे में लाइन है कि यश जो है इस फिल्म से मैं सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पे ही नहीं बल्कि एक मेन एक्टर के तौर पे भी एक जुड़े हुए हैं। तो नो डाउट जो र्यूमर्स हैं अभी तक फिलहाल कि वो रावण का रोल प्ले करने वाले हैं वो अब लगभग लगभग कंफर्म है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। बाकी सारा चीज जो है वो तैयार है, दुल्हन तैयार है, दूल्हा तैयार है, बस पंडित जी का वेट है कब आएंगे मंत्र पढ़ाएंगे और दोनों की शादी हो जाएगी। और यहीं पे बात नहीं रुक रही है, हॉलीवुड फिल्मों के जाने माने म्यूजिक कंपोजर हंस जिमर, जिन्होंने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट और भी बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया है, वो इस फिल्म में ए आर रहमान सर के साथ मिलके और इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बनाने वाले हैं। तो फिल्म दिन पे दिन काफी बड़ी होती जा रही है। लेकिन एक और न्यूज है इस फिल्म को लेके, वो मैं आपको बताता हूँ। वार्नर ब्रदर्स जो प्रोडक्शन कंपनी है उससे बात चल रही है इस फिल्म को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज करने का। और फिल्म जैसा आपको पता है कि 3 पार्ट में होने वाली है। जी हाँ, रामायण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 पार्ट में फिल्म होने वाली है। तो इंडिया में तो खैर प्राइम फोकस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन संभाल ही लेगी, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे जाना है तो इसको कुछ अलग लेवल का एक प्रोडक्शन हाउस चाहिए जिसकी पकड़ जो है वो हर जगह पे हो। तो वार्नर ब्रदर्स जो है उससे बेहतर क्या ही हो सकता है। तो वार्नर ब्रदर्स भी इस फिल्म से जुड़ने वाले हैं और आई होप कि कुछ अनाउंसमेंट मिले, लेकिन अभी तक जितना रिपोर्ट निकल के आ रहा है इस फिल्म को लेके कोई भी प्रोमो अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। तो 17 अप्रैल को तो खैर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर बहुत ही जल्द हमें पता चल जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी कि क्या ये फिल्म बन रही है, कौन कौन बना रहा है, कौन कौन इसमें एक्ट कर रहा है, कौन कौन एक्टर क्या क्या एक्टर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो सारा कुछ हमें पता चल जाएगा। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपने अगर फिल्म मैदान और कौन सी BMCM इसका रिव्यू नहीं देखा है तो जाके मेरे दूसरे चैनल पे देखो, मजा आएगा देख के। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।